ओम मित्रों, आज मैं आपके साथ कोरोना वायरस विषय के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। ये तो आप पिछले कई दिनों से बहुत सुन रहे हैं कि ये सावधानी रखें, ये सावधानी रखें, ये सावधानी रखें। बहुत सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया पर मिल रही है जो काफी आपके लिए उपयोगी भी है, मगर मैं आज आपसे बात करूंगा कि योग इसमें किस तरह कारगर साबित होगा, आयुर्वेद का इसमें क्या उपयोग किया जा सकता है। तो कोरोना वायरस इसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इससे बचूं। हर परिवार का व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार में किसी व्यक्ति को ना हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे ध्यान देने की जरूरत है तो वो है कि संपर्क कम कर दो। आप स्वयं लोगों से मिलना कम कर दें। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अपने परिवार में, घर में लोगों को बुलाना और दूसरे के घर जाना भी बंद कर दें। जो जरूरी बात है वो आप फोन पे करें, इंटरनेट के माध्यम से करें। ये बहुत जरूरी है कि हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, हैंड वॉश से अच्छी तरह धोएं साबुन को। अपना हाथ, मुंह, नाक और आंख को ना लगाएं। इसे पूरी गंभीरता से इसको हल्के में ना लें। योग की जितने भी क्लासें चल रही हैं, मैं कहूंगा कि 31 मार्च तक आप ज्यादा लोग इकट्ठे ना, घर पे ही योग करें और अपने वीडियो बनाकर फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या योग करना चाहिए वो आप उन्हें जरूर बताओ। तो ये कोरोना वायरस होता किसे है? कमजोर व्यक्ति। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, लो इम्यूनिटी है, आप कमजोर हैं, तो कोरोना वायरस आपके अंदर आया तो आपको मारेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी हाई है तो कोरोना वायरस आपके शरीर में आके कोरोना मरेगा। तो इसमें योग के माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। योग भी जिसे अस्थमा की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी और लो इम्यूनिटी है, उनके लिए ज्यादा खतरा है। तो आप योग के अभ्यास में आपको बताने जा रहा हूं, आप रोज कीजिए, नियमित अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। साथ में आयुर्वेद का सहारा लीजिए, अपने अंदर विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में लें। विटामिन सी में आप आंवला लीजिए, आप नींबू लीजिए, आप संतरा का उपयोग कीजिए। ये आपकी जो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और साथ में आयुर्वेद में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी जो है आपको बताया हुआ अलग अलग विभिन्न टीवी चैनलों पर, जिन लोगों ने ना सुना हो उसके लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि गिलोय, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और अदरक और हल्दी को मिलाकर उसका काढ़ा बनाए और सुबह शाम आप स्वयं लें और अपने परिवार और अपने बच्चों को। ये आयुर्वेद के सिंपल सामान्य चीजें हैं जो सब जगह मिल जाती है। गुजरात में गिलोय को लिमड़ा ना बड़ो के लिए, लिमड़ा ना बड़ो, काली मरी, हरदल, काली मरी, तुलसी, गिलोय और आदि नौ पांच वस्तुओं तमे उकाळो बनाई लो, ये खूब ज लाभ करी छे। क्योंकि आयुर्वेद की जो वस्तु छे ये दवाओ नथी, ये जीवन शक्ति आपवा माटेनी औषधियो छे, એનો નિયમિત ઉપયોગ કરી શકાય। સાથે સાથે આયુર્વેદની ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, અશ્વગંધા છે, ગિલોય છે, તુલસી છે, શિલાજીત છે, સતાવર છે, એના બધાનો ઉપયોગ પણ ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે કરો। પણ પ્રાણાયામનો ખૂબ જ મહત્વ છે। પ્રાણાયામમાં પહેલાં ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરી લો, 5 મિનિટ આ રીતે લાંબી શ્વાસ લઈ અને પછી ભ્રામરી, આ રીતે ભ્રામરી
का उद्गीत पढ़ाया એમને પણ પાઠ કી 10 મિનિટ અભ્યાસ કરો પછી આપ સૂર્ય નમસ્કાર કરો થોડા આસનો પણ કરો મનુકાસન કરો પવન મુક્તાસન કરો વક્રાસન કરો ઉત્તાન પાદાસન કરો તાડાસન કરો એ બધું આસનો પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે આપણી બોડીની ફ્લેક્સિબિલિટી વધારવા માટે આપણી ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે તો મિત્રો આ બીમારીથી બચવા માટે તમારા શરીરમાં શક્તિ વધારવાની ખૂબ જ ખૂબ જરૂરી છે કે તમે યોગ કરો અને પોતાના શરીરને બલવાન બનાવો અને આ જે ભયંકર મહામારી આખી દુનિયામાં ફેલાય છે એને આપણે રોકવાની જરૂર છે ભારતમાં આ બીમારી ના ફેલાય એટલા માટે આપણે સૌની જવાબદારી છે કે આપણે નમસ્તે કરીએ હાથોને બરાબર ધોઈએ છીંકવાનું હોય તો રૂમાલમાં છીંકીએ યા રીતે કોનીમાં છીંકીએ વધુ લોકો સાથે ના મળીએ અને ખાસ એને કાળજી રાખીને આપણે આ બીમારીથી બચી શકીએ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઓમ